नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले इस एपिसोड में। एवरी सिंगल डे 30 सितंबर तक इनको रोज अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट अर्जेंट ड्रिवन कॉल्स। अब आप टेलीकॉलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, उस पर पूरी स्क्रिप्ट आपकी सिर्फ होगी, सर मैं आपको इसलिए रीच आउट कर रहा हूँ कि 30 सितंबर को LIC की मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज बंद होने जा रही हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, मतलब आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है वो भी बता रहा हूँ, और कैसे इसको अप्लाई करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अर्जेंट ड्रिवन कॉल्स, आपको अर्जेंट ड्रिवन कॉल करनी है। ड्यूरिंग द एवरी कॉल आपको एम्फोसाइज करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी बंद हो रही है, और डेट के साथ बता दीजिए, नाम के साथ बता दीजिए, LIC ने ऐसा लिखा हुआ है, इस बात पर हम कॉन्फिडेंट है। दूसरा, इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, इसको बोलिए कि सर आई एम रीचिंग आउट टू यू बिकॉज द पॉलिसी, उसका नाम लीजिए, ये डिसकंटिन्यू हो रही है 30 सितंबर 2024। अगर आपके पास ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद में इस पॉलिसी के प्राइजेस चेंज हो सकते हैं, इस पॉलिसी में नए गाइडलाइंस आ सकती हैं, एड ऑन बेनिफिट्स एड ऑन रिमूव हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्या ये पॉलिसी दोबारा लॉन्च होगी या नहीं होगी इस पे भी हमें नहीं पता है, तो आप ये ज़रूर कस्टमर को बोले कि सर ये पॉलिसी बंद होने जा रही है, आपके पास लास्ट चांस है, ये आप ज़रूर बताएं। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या अपना, ये पर्सनलाइज मीटिंग करना शुरू करिए, कस्टमर के नीड के हिसाब से इन सारी पॉलिसीज में से जो भी उसके नीड में फिट बैठ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो पॉलिसी उसको प्रेजेंटेशन दीजिए, और तुरंत के तुरंत दीजिए, उसको आप टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सर आप मेरे को फाइनल बता दीजिए आप इसको भी कराना चाहते हैं नहीं, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा फॉलोअप इस टाइम पर नहीं कर पाऊंगा, मुझे हज़ारों लोगों को बताना है कि ये पॉलिसीज बंद हो रही हैं, और मैं आपको बार बार फॉलोअप इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, और LIC इन पॉलिसीज़ को 30 तारीख को बंद कर रही है। उसके बाद जो पॉलिसीज आएंगी वो क्या आएंगी, क्या उन पे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या 100% प्रीमियम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम बढ़ा रही हैं, तो LIC भी तो बढ़ाएगी मार्केट में रिटेन करने के लिए अपने आप को, तो सर आप ज्यादा प्रीमियम पे पॉलिसी बाद में लेना चाहते हैं या कम प्रीमियम पे अभी ज्यादा बेनिफिट के साथ में पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो है बताएगा आपको, बाकी इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो चीज बोली थी मैंने बता दी। तीसरा, एग्जीक्यूटिव लास्ट चांस ऑफर दीजिए उनको, ऑफर एंड एडिशनल बेनिफिट, सरप्राइज गिफ्ट आप दे सकते हैं, बट कमीशन मत दीजिए, कमीशन ऑफर करेंगे तो फिर आप करप्ट हो जाएंगे, मैं कमीशन के खिलाफ हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं कमीशन मत देना, कमीशन ऑफर मत करना कि सर अभी तुरंत करा लीजिए तो कमीशन दे दूंगा अपना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हमारे एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप कल को ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कमीशन ऑफर नहीं करना है। कुछ सरप्राइज गिफ्ट क्या दे सकते हैं कि आपका कस्टमर पॉलिसी ले ले, आप उसको फॉलो अप कॉल मीटिंग जो भी कर रहे हैं कुछ तो उसको ऐसे बेनिफिट आपको बताने पड़ेंगे, और छोटा मोटा आप गिफ्ट उसको दे सकते हैं, और अनकंडीशनल एडवांस में उसको गिफ्ट लेके घर पर चले जाइए, बोलिए सर ये लास्ट चांस है पॉलिसी लेने का, मेरी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं आपको दे रहा हूँ, बट ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसमें डिसीजन ले लीजिए। शॉर्ट फोकस और बहुत ही सिंपल फॉलोअप कॉल्स करना शुरू करिए, स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए, हम फॉलोअप कॉल जो भी कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बताइए सर पॉलिसी 30 तारीख को बंद हो रही है, ये पॉलिसी बंद हो रही है, मैंने आपको इसकी प्रेजेंटेशन दी थी, आपने बोला था मैं सोच के बताता हूँ देख के बताता हूँ, बहुत टाइम हो गया आपने अभी तक फाइनल नहीं किया, सर बस सबसे लास्ट मोमेंट आ गया है इसलिए मैं बोलता हूँ कि सर आप इसको फाइनल कर दीजिए, और इसमें आपका फायदा है, कल को क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे सर आप भी नहीं जानते मैं भी नहीं जानता, 30 तारीख तक का टाइम है, 30 तारीख से सर पहले आपको ये पॉलिसी चालू करानी है, अगर आप सच में सीरियस हैं तो आपको ये उसको बेस्ट टाइम बताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि क्या क्या बेनिफिट आप आज के डेट में लॉक इन कर सकते हैं, जो कि कल को जो है आपको मतलब वो देखने को मिले ना मिले वो ये कंफर्म नहीं है, और उनको बोले कि मैं पेपर वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, पेपर वर्क स्टार्ट कर दीजिए, उससे पेमेंट टोकन अमाउंट ले लीजिए आप, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक अबाउट व्हाट दे मिस इफ दे डू नॉट बाय नाउ, बताइए सर उनको कॉल करके मीट करके मतलब उनसे मिलके और टेक्स्ट मैसेज भेज करके उनको बताइए, एक लिस्ट बना लीजिए हर प्लान की, जीवन उमंग पॉलिसी को नहीं लेने के 10 नुकसान, जीवन लक्ष्य पॉलिसी को नहीं लेने के 10 नुकसान, जीवन तरुण को नहीं लेने के 10 नुकसान, ऐसे करके लिस्ट बना लीजिए, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कल परसों में, वो हर पॉलिसी को नहीं लेने के क्या 10 नुकसान कस्टमर को हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लोगों को बताइए, ताकि लोगों में एक हाइप क्रिएट हो पाए, ताकि लोगों को लगे कि यार ये 10 नुकसान होने से तो अच्छा जो लेना ही है तो 30 सितंबर से पहले अभी क्यों ना ले लूँ। सो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्लान विच शोज दैट दीज आर द यू नो मिसिंग थिंग्स दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस, ठीक है, ये 5 तरीके अगर आप अपनाते हैं तो ये LIC जो हमें ये ब्रोशर दिया हुआ है इसके बेसिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कर सकते हैं। इस पे आपकी क्या राय है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप, और जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों को अवेयरनेस फैलेगी, 5 तरीके मैंने प्रूवन आपको बताई दिए हैं, इनको आप इंप्लीमेंट करिए आपका काम अच्छा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।